हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राकेश कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये पॉइंटर सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ पॉइंटर। तो सबसे पहले पॉइंटर पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि पॉइंटर हम लोग पढ़ते क्यों। पॉइंटर एक्चुअली क्या होता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है। पॉइंटर को सी में सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। अगर हम मानते हैं कि अगर आपको पॉइंटर आता है तो ये समझ लीजिए आपको सी में पूरा सब कुछ आता होगा। तो पॉइंटर एक तरह का टफ टॉपिक है सी में। तो अब डिस्कस करते हैं पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर के बारे में हम पहले से दो लाइन नोट किए हैं, उसके बारे में बता देते हैं। पॉइंटर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सी लैंग्वेज, इट इज पावरफुल एंड हैंडी टूल ऑफ सी लैंग्वेज। पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच कंटेन द लोकेशन ऑफ डाटा आइटम रादर देन द वैल्यू। मतलब पॉइंटर जो है किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के काम आता है, ना कि किसी वेरिएबल का डाटा स्टोर करने का। तो पहले हम समझ लेते हैं, अगर मेरे पास कोई साधारण सा वेरिएबल है जैसे इंट नम है, इसकी वैल्यू मान लीजिए इस समय 20 है, तो हम ये देखते हैं कि मेमोरी में किस तरह से ये रिप्रेजेंट होता होगा। ये है मेरा मेमोरी का ब्लॉक, जिस ये वेरिएबल का नाम है। ये वेरिएबल किसी ना किसी लोकेशन पे तो स्टोर हो रहा था। मेमोरी जो क्या होता है कि सिक्वेंटियल ऑफ टेबल होता है, सिक्वेंटियल ऑफ फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर, ये सब का कम्बिनेशन होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये सीक्वेंस में होता है। तो वो जो डाटा हम इनपुट के रूप में देते हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता होगा। मान लीजिए कि ये जो नम वेरिएबल है ये हमारे पास 2001 एड्रेस वाले लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। तो जो नम वाला ब्लॉक बना इसके अंदर क्या होगा, 20 होगा। ये क्या होगा, ये वेरिएबल का नाम होगा, ये एड्रेस होगा जहां पे सेव है, और ये वेरिएबल की वैल्यू हो गई। ये क्या है, एड्रेस है। ये क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल है, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू स्टोर होगी उस वेरिएबल में। अगर हम पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है। तो अभी तक हम जो लोग अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं कि वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन पॉइंटर एक वेरिएबल है तो पॉइंटर को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये साधारण वेरिएबल है कि पॉइंटर। तो इसलिए अगर हमें पॉइंटर वेरिएबल को शो करना है तो हम इस तरह से करते हैं, इंट मान लीजिए नाम पीटीआर है। अगर इसको पॉइंटर शो करना है कि ये पॉइंटर टाइप का है तो आगे स्टार लगा देते। इससे क्या पता चलता है कि जो पीटीआर नाम का वेरिएबल है वो पॉइंटर टाइप का है। पॉइंटर टाइप कहने का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू स्टोर नहीं करेगा किसी पॉइंटर का, किसी वेरिएबल का, बल्कि उस वेरिएबल का जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ये मान लीजिए इस तरह से लिखे हैं। और पहले हम साधारण वेरिएबल नम लिए हैं जिसका वैल्यू 20 है। अगर हम इसको पीटीआर इक्वल एड्रेस ऑफ नम कर दें तो क्या होगा, पहले लाइन के हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा कि कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया नम, ये हो गया 2001 मान लो, इसमें हो गया 20। जो पीटीआर है, पीटीआर भी एक वेरिएबल है, तो इसका भी मेमोरी में कहीं ना कहीं लोकेशन बनेगा जिसका नाम पीटीआर होगा और जिसकी एड्रेस मान लो हम मान लिए कि 5012 है, उस एड्रेस पे सेव है मेमोरी में। अब तीसरा लाइन क्या, पीटीआर एड्रेस ऑफ नम। जो पीटीआर टाइप का वेरिएबल है, जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप कहां से पता चला है, यहां से स्टार जो आगे लगा है, ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है तो इसमें किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। तो
कौन से वेरिएबल का एड्रेस हो रहा है? ये नम वाले का एड्रेस स्टोर हो रहा पीटीआर में, तो नम वाले का एड्रेस कितना है 2001 होगा। तीसरे लाइन से क्या पता चलेगा कि इसमें 2001 स्टोर होगा, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ये है पूरा बेसिक पॉइंटर का। अब पॉइंटर में दो तरह के हमारे पास ऑपरेटर देखने को मिल रहे हैं, एक स्टार वाला एक एंड वाला। तो हम उसको क्या बोलते हैं पॉइंटर में, इसके बारे में देखते हैं। तो अगला है टॉपिक पॉइंटर नोटेशन। जो एंड वाला ऑपरेटर होता है उसे क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ, जो कि हम स्कैन ऑफ वाले फंक्शन में पढ़ भी चुके हैं एड्रेस ऑफ। जैसे यहां है क्या कि पीटीआर इक्वल एंड नम, तो नम का एड्रेस है, तो एड्रेस ऑफ नम इसको कहेंगे। तो मतलब पीटीआर में क्या सेव है, एड्रेस ऑफ नम। एड्रेस ऑफ नम कितना है 2001 है, तो पीटीआर में 2001 सेव है। तो स्टार को क्या बोलते हैं, स्टार को बोलते हैं कि वैल्यू एट, वैल्यू एट। जैसे मान लो अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी जिसका नाम आई है और जिसकी वैल्यू 3 है, तो इस टाइप का नोटेशन बन रहा होगा। ये किसी ना किसी एड्रेस पे मेमोरी में सेव हो रहा होगा, मान लीजिए 1000। अब अगर ये क्या शो कर रहा है, ये एड्रेस शो कर रहा है, तो एड्रेस जब शो कर रहा है तो इसको हम एड्रेस आई भी बोल सकते हैं। अगर ये एड्रेस ऑफ आई है तो अब जो स्टार है, ये स्टार है वैल्यू एट, ये किसका होगा, वैल्यू एट क्या होगा, ये तो जो 3 है वो अगर हम एक्सेस करते हैं, पहले एक्सेस करते थे आई के रूप में, लेकिन अगर हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि जो एड्रेस ऑफ आई है उसका वैल्यू, देखो एड्रेस ऑफ आई और जो एड्रेस है आई का क्या है 1000, तो वैल्यू एट 1000, वैल्यू एट 1000 पे कितना है 3 है, तो इसको हम चाहे आई से एक्सेस करें या स्टार एंड आई से। समझ में आया? ये है पॉइंटर नोटेशन। तो मेन क्या है, एंड और स्टार। एंड का मतलब है एड्रेस ऑफ, स्टार का मतलब है वैल्यू एट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉइंटर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। जैसे पॉइंटर को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम सिंपल वेरिएबल करते थे, बस सिंपल वेरिएबल के नेम के आगे पहले स्टार लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, पॉइंटर वेरिएबल। तो क्या है सिंटैक्स, डेटा टाइप वेरिएबल नेम और यहां अगर स्टार लगा दे तो क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल नेम। अब अगर मान लीजिए मेरे पास इंट टाइप का है, तो इंट स्टार वेरिएबल का नाम। फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट स्टार फ्लोट मान लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कैरेक्टर टाइप का है तो कैर स्टार मान लीजिए उस कैरेक्टर का नाम है वेरिएबल का नेम, तो कुछ इस टाइप का। तो ये क्या होता है, पॉइंटर का डिक्लेरेशन। अगर इस पॉइंटर में कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे, देखते हैं अब इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक इंट नम है, इस समय जो नम में वैल्यू है वो
15 है। अगर हमें इस नम वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो हम किस टाइप का एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेंगे। मान लीजिए उसका नाम हमने रख दिया ptr, तो ptr में जो है हम उसका एड्रेस नम का एड्रेस डालेंगे, तो ptr इक्वल एड्रेस ऑफ नम, ये हो गया ptr का इनिशियलाइजेशन। अगर इन दोनों लाइन को हम साथ में कंबाइन कर दें तो क्या होगा, तो int ptr इक्वल एड्रेस ऑफ नम, समझ में आया, ये भी वैलिड है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इन तीनों लाइन को आपस में कंबाइन करें तो दो लाइन में कर सकते हैं, देखिए कैसे, int int num इक्वल 15 ptr और ptr इक्वल एड्रेस ऑफ num, ये भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इन दोनों को भी एक लाइन में कंबाइन किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए int num इक्वल 15 स्टार ptr इक्वल एड्रेस ऑफ num, ये भी वैलिड है। अगला है int स्टार ptr इक्वल एड्रेस ऑफ num स्लैश num इक्वल 15, ये नहीं वैलिड है, ये वैलिड है। अगर जिसको हमको एड्रेस में शो करना है जिस वेरिएबल का, वो वेरिएबल का नाम पहले होना चाहिए। अगर इस केस में पहले है तो यहां वैलिड है, इस केस में बाद में है तो वैलिड नहीं है, समझ में आया। अब इसी पे हम लोग एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हम ये ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम लिखे, कुछ लाइन लिखे हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन कुछ छोड़े हुए हैं। ये समझ में आया, हेडर फाइल ये भी समझ में आ गया, ये मेन फंक्शन है ये। अब यहाँ क्या है, int x star p, तो हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, कौन कौन सा, कि एक x नाम का वेरिएबल है और एक p नाम का वेरिएबल है, लेकिन p किस टाइप का है, स्टार टाइप, मतलब पॉइंटर टाइप का है। अगर पॉइंटर टाइप का है तो उस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, बल्कि क्या जाएगा उस वेरिएबल में, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। मान लीजिए जो हमारे पास एक्स वेरिएबल आया, उसका एड्रेस कुछ 2008 आया, और जो P पे स्टोर है वो कहाँ स्टोर है, 2015 पे स्टोर है। इतना समझ में आया पहला लाइन। दूसरा क्या है, X इक्वल 10 है, मतलब X वाले वेरिएबल में 10 वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। तीसरा लाइन क्या है, P इक्वल एड्रेस ऑफ X, एड्रेस ऑफ X क्या है, 2008 है, तो P में कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है, 2008, ये क्या है, इस वेरिएबल का एड्रेस है। मान लो हम एरो से शो कर दिए कि इस वेरिएबल का एड्रेस है स्टोर, समझ में आया। अगर हमें मान लो कि प्रिंट करवाना है, क्या हम कमेंट में एक पॉइंट डाले, डिस्प्ले एड्रेस ऑफ एक्स, हमें क्या करना है कि डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है इसको 2008 को, मतलब एक्स के एड्रेस को, तो कैसे कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंट एफ परसेंटेज यू मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर है अनसाइंड इंटीजर का। अनसाइंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है किसी का एड्रेस पॉजिटिव ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं स्टोर होगा, निगेटिव में तो नहीं होगा, तो इसलिए परसेंटेज यू लगाए हैं। फिर
हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एड्रेस ऑफ एक्स। एड्रेस ऑफ एक्स का मतलब ये सिंपल सा हो गया, इससे क्या आएगा हमारा आउटपुट 2008 आएगा। लेकिन इसी को हम मान लीजिए हम डायरेक्ट इससे प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ स्टार यू, ये डायरेक्ट हमारे पास वेरिएबल एक है पी, पी में क्या है एड्रेस है, तो डायरेक्ट अगर हम पी को प्रिंट करवाएं तब भी 2008 ही आएगा। समझ में आया? जैसे यहां पी वेरिएबल है, इसमें कितनी वैल्यू है 2008 है, तो इस ये भी तो एड्रेस है एक्स का, इसको भी प्रिंट करवा लिए। मतलब अगर किसी वेरिएबल का हमें एड्रेस प्रिंट करवाना है तो या तो हम डायरेक्ट इससे प्रिंट करवा सकते हैं, या पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेके उसमें पहले हम एड्रेस डाल दें फिर उसको सिर्फ प्रिंट करवाएं। इतना समझ में आया? अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमें प्रिंट करवाना है, एक्स इक्वल 10, तो कैसे कराएंगे? प्रिंट एफ, मान लीजिए हम परसेंटेज यू ही लगा रहे हैं, परसेंटेज यू का मतलब है अनसाइंड, हमें पता है कि 10 आएगा अभी, तो हम इसलिए क्या करा रहे हैं, इतना प्रिंट करा लिए। और मान लीजिए हमारे इससे भी वही आउटपुट आएगा, परसेंटेज यू स्लैश एन। अब क्या है कि जो पी वाले एड्रेस पे जो पी का है वेरिएबल, उसका क्या है, जो उस पी में क्या है कि एड्रेस ऑफ एक्स है, तो एड्रेस ऑफ एक्स की वैल्यू हमें प्रिंट कराना है, तो सिंपल सा हम स्टार पी प्रिंट करवा दे तो क्या होगा कि इस पी का मतलब क्या है एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स का मतलब 2008, और स्टार स्टार एड्रेस ऑफ एक्स का मतलब होगा 10। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? पी क्या है, पी में क्या स्टोर है कि एड्रेस ऑफ एक्स है, और स्टार का मतलब क्या होता है कि वैल्यू एट पी, एट पी का मतलब होगा वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स ये है, वैल्यू उसकी 10 है, तो इससे क्या भी प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। इतना समझ में आया? अगर हमें पी का एड्रेस प्रिंट करवाना है, जैसे पी का एड्रेस क्या है 2015, इसको प्रिंट करवाना है, तो क्या सिंपल सा लिखेंगे, प्रिंट एफ एड्रेस प्रिंट करवाना है तो सिंपल सा ये लिखेंगे। समझ में आया पूरा प्रोग्राम? हमें लगता है जो जो हम प्रिंट एफ करवाए हैं, जैसे पहला एड्रेस ऑफ एक्स ये पी है, पी का मतलब ही पहले हम डिक्लेयर किए हैं एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स एक्स का मतलब हम ऑलरेडी पहले जैसे फॉर्मल में ही करते थे कि हमें एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो डायरेक्ट एक्स एक्स लिख दिए। ये पॉइंट नया है, ये पॉइंट क्या है स्टार पी, स्टार पी का मतलब, पी का मतलब क्या है एड्रेस ऑफ एक्स, स्टार पी का मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स। समझ में आया? वीडियो खत्म करने से पहले आज हम लोग QTB है कि जो ये प्रोग्राम दिख रहा है आपके सामने, इसका आउटपुट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो आई होप कि पॉइंटर का बेसिक लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं पर खत्म कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग पढ़ सके, अच्छा नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू।